नमस्कार दोस्तों, मूल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गांव के शुद्ध देहाती दाल, वो भी पंचरत्न। गांव से हम दाल लाई थी, थोड़ा उसमें छिलका लगा हुआ होता है, तो उसका हम बनाएंगे पंचरत्नी दाल। वो हम कैसे बनाते हैं, चलिए आपको हम उसका इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। दाल है तो निश्चित रूप से उसमें 5 दालें होंगी। तो अरहर की दाल है, ये देखिए गाँव की है, तो इसमें छिलका लगा हुआ होता है, ज़्यादा छिलका नहीं निकालते। चना दाल है, उड़द दाल है, वो मेरे पास छिलके वाली नहीं थी तो बिना छिलके वाली मैं ली हूँ। मूंग दाल मैंने छिलके वाली ली है, और मसूर दाल भी हम लोग छिलके वाली ही लिए हैं। हल्का छिलका लगा होता है, हमारे गांव में छिलका ज़्यादा नहीं उतारा जाता। तब ये पांचों दाल को मिला के हम इसको उबालेंगे। फिर इस बघार में हम डालेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया, और ये डालेंगे इसमें मीठी लकड़ी, लौंग 2, और एक डालूंगी मैं इसमें हरी इलायची, और एक डालूंगी बे लीफ्स, तेजपत्ता, और जीरा का बघार रहेगा, धनिया, हल्दी, धनिया, और थोड़ी सी लाल मिर्च, और एक सूखी लाल मिर्च बघार में हम डालेंगे। तो चलिए अब इसको हम बना के दिखाते हैं। दाल को हमने भिगा के 1 घंटा पहले रख दिया था अपनी सुविधा के लिए, भीगी हुई दाल जल्दी गलती है। तो चलिए अब हम ये दाल को उबाल के दिखाते हैं आपको, फिर हम इसको फ्राई करके पंचरत्नी दाल दिखाते हैं। ऊपर हो गई है दाल, तो इसमें हम 3 कटोरी पानी डालेंगे, सफिशियंट होगा 3 कटोरी पानी। थोड़ी सी हम भिगा के रखे थे 5 कटोरी पानी हमने इसमें डाल दिया। डालेंगे हल्दी पाउडर, ये सब आपके टू द टेस्ट होगा, आपको अच्छा लगे तो डालिए। धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, और जीरा, कच्चा वाला जीरा, और हींग भी डालेंगे, और पकने में भी हम हींग थोड़ा सा डालेंगे, और नमक डालते हैं कि कच्ची दाल में हींग पक जाएगा तो बहुत टेस्टी होता है। और नमक हम डालेंगे टू द टेस्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते। प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी 5 सीटी लगाएंगे, 4-5 सीटी, जितना जहाँ जैसा पानी के अनुसार दाल पकता है तो आप अपने हिसाब से इसको सीटी लगा सकती हैं। हमारे यहाँ तो 3-4 सीटी में पक जाती है दाल। हरी धनिया भी हम पकते में डाल देंगे, और बाकी को हम बघार में डालेंगे, और थोड़ी सी हरी मिर्च। कम मीडियम आंच में हम इसको पकाएंगे, 5 से 6 सीटी छोटे वाले बर्नर में रखेंगे, और मीडियम आंच में हम इसको पकाएंगे। दाल मेरी पक के तैयार हो गई है, इसको मैं थोड़ा सा घोट लेती हूँ, नहीं तो आप ऐसे सेंधा भी रख सकते हैं, वो भी टेस्टी लगता है, पर हमारे यहाँ मिली हुई दाल खाते हैं घुटी हुई, तो मैं थोड़ा सा घोट लेती हूँ। इतनी से मैं थोड़ा सा इसको पंचरत्न दाल को हम फ्राई कैसे करेंगे, तो उसमें मैं डालूँगी घी, घी डाल के फ्राई करूँगी, लहसुन डाल के इसको थोड़ा भून लूँगी। भूनने के बाद जब लहसुन की खुशबू उसमें आ जाएगी, लहसुन हमारे यहाँ ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो मैं एक डाल के उसको निकाल के रख देती हूँ, केवल मैं भर खाती हूँ। तो ये लहसुन को मैं पहले भून लूँगी, तो इसमें इसकी खुशबू, घी में लहसुन की खुशबू आ जाएगी। तो मैं डालूँगी जीरा, ये एक मीठी लकड़ी का एक टुकड़ा, लौंग, इलायची, और प्याज, कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा। पत्ती भी डाल देती हूँ, बहुत 3-4 पत्तियाँ हैं लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा नहीं डालना। मिर्च टू द टेस्ट है, आपके यहाँ बच्चे खाते हैं तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। मैं आँच थोड़ा सा तेज की हूँ अभी, जस्ट लहसुन घी में आ गई है, तो अच्छे से भूनना है कलर चेंज होते तक। प्याज को भूनेंगे, टमाटर, मैंने डाल दिया, कुछ ज़्यादा नहीं डाला, एक का मैंने इतना बचा लिया है, इसलिए इसको मैं अलग करती हूँ। इसी में डाल के मैं धनिया को भूनूंगी। सूखे मसाले तो मैं पहले ही डाल दी थी दाल को पकाते टाइम, हींग भर जरूरी थी, थोड़ी सी एक चुटकी डालूंगी मैं। नमक तो मैं पहले ही डाल के पका ली थी, हींग जरूर घी में डालूंगी, घी में डाल के भूनूंगी। नमक टेस्ट करके आप देख लीजिए, यदि कम हो तो आप खुद ही
डाल सकते हैं, इसको डाल के और इसमें पकने दूँगी, थोड़ा गाढ़ी होते तक दाल को मैं पकाऊँगी इसीलिए। नमक टेस्ट कर लीजिएगा, कम हो तो आप इसमें डाल सकते हैं नमक, अदरवाइज ये बहुत अच्छी दाल तैयार हो गई। ऊपर से हम थोड़ी सी धनिया डालेंगे। ये पंचरत्न दाल हमारी बन के रेडी हो गई। मेरी पंचरत्नी दाल बन के रेडी हो गया है और बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी। आप इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं, हम लोग थोड़ी सी पतली खाते हैं तो मैं इसको पतला ही रखी हूँ, आप इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना है। अब उम्मीद है कि आप इसको एक बार ट्राई अवश्य करेंगी। तो आप बनाइए, खाइए और मोइंस किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंडों को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। चलिए मैं टेस्ट करके भी आपको थोड़ा सा, परफेक्ट, बहुत अच्छा बना है मेरा दाल। इसमें अब ये इसमें कुछ मुझे नहीं डालना है। चलिए उम्मीद है कि आप इसको अवश्य बनाएंगे, ट्राई करेंगे एक बार अवश्य बना के। अब मिलूंगी मैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही आप मेरा हौसला अफजाई करते रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिखाते